हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन ट्रीट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ सभी को पसंद आने वाले साबूदाना बड़ा। ये टेस्टी बड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। इन्हें आप व्रत में खाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से इन्हें बनाएंगे तो इनमें ऑयल भी नहीं भरेगा और ये कम ऑयल में बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। सबसे पहले इसे पानी से 2 बार अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। साफ करके इसका सारा गंदा पानी निकाल देंगे और इसमें 2 गुना पानी डालकर 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। 1 घंटा हो गया है, साबूदाना अच्छे से भींग कर साफ हो गया है, तो इसे पानी से निकाल लेंगे और स्ट्रेनर में 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इधर मैंने 3 आलू लिए हैं जिन्हें छील लिया है। छीलने के बाद इन्हें ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। इधर साबूदाना से सारा एक्स्ट्रा पानी भी निकल गया है, तो यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा बर्तन। इसमें इस साबूदाना को लेंगे। ध्यान रहे कि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। इसमें डालेंगे उबले ग्रेट किए हुए आलू, 1/2 कप मूंगफली के दाने। मैंने इन दानों को छिलका हटाकर इन्हें मिक्सी में दरदरा पीस लिया है और कटी हुई हरी मिर्च। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट और कटा हुआ हरा धनिया और सेंधा नमक। इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नींबू का रस। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद साबूदाना बड़ा बनाने के लिए मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। जब तक साबूदाना का मिश्रण सेट हो रहा है, तब तक इन बड़ों के लिए व्रत वाली चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फ्रेश हरा धनिया, थोड़ी सी पुदीना, 2 कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी अदरक, 2 हरी मिर्च और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। इन सभी को ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो तैयार है हमारी व्रत वाली टेस्टी चटपटी चटनी। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। चटनी के साथ बड़े खाने का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। तो अब चटनी तो तैयार हो गई है, अब बड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगाकर थोड़ा सा मिश्रण लेकर गोल बॉल बना लेंगे और इन्हें दबाकर चपटा लोई का शेप देकर बड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसी तरह एक एक करके सभी बड़े बना लेंगे। मैंने सभी बड़े 1 साइज के गोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें लेंगे ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसमें बड़े फ्राई होने के लिए डाल देंगे। एक बार में 3-4 बड़े डालकर फ्राई होने देंगे। जब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाएं, तो इन्हें पलट देंगे। अब देखिए बड़े एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बड़े फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि धीमी आंच पर बड़े सेकने से ये टाइट हो जाते हैं। अब देखिए इसमें अच्छा कलर आ गया है। बड़े फ्राई हो गए हैं, कलर भी इनका बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। तो अब इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह बचे हुए बड़ों को भी
गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारे साबूदाना वड़ा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। और ये रही हरे धनिया की चटनी, इसे चटनी के साथ खाकर आप व्रत में भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।